हम सब जानते हैं कि नींबू वर्गीय पौधों में मौसमी और संतरा के पौधे ग्राफ्ट से तैयार होते हैं। संतरा और मौसमी में जो रूट स्टॉक यूज होता है, जब मैं नागपुर गया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बीमारी महाराष्ट्र में आई हुई है संतरे के बागों में। उस बीमारी का नाम है वाइबर। वाइबर बीमारी क्या है कि संतरे जब लगने शुरू होते हैं तो संतरे लंबे हो जाते हैं, थोड़े पिचक सी जाते हैं, उनका जो आकार है वो बेढंग हो जाता है। ये विषय उठा डॉक्टर आर के सोनकर जी के साथ एक चर्चा के दौरान, जब हम रूट स्टॉक पर बात कर रहे थे, यानी अलीमों की रूट स्टॉक पर बात कर रहे थे। तब मैंने कहा कि जब अलीमों का पौधा 80 रुपए से 90 रुपए तक CCRI नागपुर में मिलता है, तो ये कैसे संभव है कि 30 रुपए में कहीं कोई पौधा मिल जाए और वो भी यहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर डिलीवर हो जाए। तो उन्होंने बताया कि जो रंगपुर लाइम और रफ लेमन पर जो, या जट्टी खट्टी पर जो तैयार होते हैं पौधे, तो वो जो रूट स्टॉक है उसकी कीमत ही 30 रुपए होती है। आप उसे 20 भी समझ सकते हैं तो 20 से 30 रुपए होती है। लेकिन इनको देखा गया कि ये क्या बीमारी है, तो ये पाया गया कि कुछ किसान रंगपुर लाइम और रफ लेमन के बजाय इसमें गलगल का रूट स्टॉक में प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उनको सस्ता पड़ता है। अब अपने सस्ता करने के लिए, जो किसानों को 3 साल बाद 4 साल बाद नुकसान होना है, उसकी भरपाई कौन करेगा? किसान साथियों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पौधे आप ले रहे हैं वो किस रूट स्टॉक से तैयार होते हैं। आइए इस पर एक चर्चा डॉक्टर आर के सोनकर, जो CCRI के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनके मुख से। सोनकर सर, एक बहुत बड़ी समस्या है, महाराष्ट्र के बहुत किसानों के फोन आते हैं। आजकल पौधों में, चाहे वो संतरा हो चाहे नींबू हो, एक सूखने की समस्या बहुत आती है और फल भी उनके सही नहीं होते। क्या ये डाईबैक है या कुछ और भी प्रॉब्लम है? अगर है तो ये किस कारण से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, डाईबैक एक बहुत मिश्रित शब्द है। ये कई कारणों से होता है, बीमारी से भी आ जाता है, अगर आपने पोषक तत्व बराबर नहीं दिया है तब भी आ जाता है। कई कारण है इसके, पानी सही ढंग से नहीं दिया तब भी हो जाता, है।, जाता है। लेकिन इसमें एक जो नागपुरी संतरे में एक समस्या आ रही है, जो जिसको यहाँ क्षेत्रीय भाषा में वाइबार बोलते हैं, जिसमें फल लंबा हो जाता है और टेस्ट खराब होता है। और इस पर जो गलगल के ऊपर लगाए हुए नागपुरी संतरे हैं, ये अगले 2-3 सालों में अपने लक्षण दिखाने शुरू हो जाते हैं। गलगल क्या चीज है? गलगल एक हिमाचल में एक जैसे बड़ा नींबू होता है, जिसे लेमन नींबू भी बोलते हैं। अच्छा। जिसकी के मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। अच्छा। ये बहुत काम की चीज है। अच्छा। लेकिन इसके बीज को यहाँ के कुछ नर्सरी वाले हैं जो ले करके संतरा बना रहे हैं, उस पर वो उनको सस्ता पड़ता है, मतलब उसके बीज से रूट स्टॉक तैयार करके उसको रूट स्टॉक या मूलवृंद की तरह से उपयोग कर रहे हैं। जिस पर लगाए गए पौधे, उसके फल की गुणवत्ता सही नहीं होती है, फल की, पेड़ों की उम्र अच्छी नहीं होती है और कई तरह की समस्या उस पर आ जाती है, जो गलगल पर लगाया हुआ नागपुरी संतरा है। तो ये कभी भी देश के हमारे किसी भी हिस्से में इसको संस्तुति नहीं दी गई है। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो सर? इसमें कुछ सस्ता पड़ता है या सस्ता जल्दी? पड़ता है, ये लेकर के आते हैं कुछ नर्सरी वाले जो इसको लगा करके इसके ऊपर संतरा बेच रहे हैं। वो सर, मेरे एक किसान ने मेरे से पूछा कि मुझे नागपुरी संतरा चाहिए। मैंने बताया कि नागपुरी संतरे का रेट इस वर्ष CCRI का 100 रुपये कुछ है। जी जी। कुछ दिन बाद उन्होंने एक फोटो डाली ग्रुप में कि देखिए, नागपुरी संतरे के पौधे उतरते हुए सवाई माधोपुर में 30 रुपये प्रति पौधा। हाँ, वही आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। यही कारण है कि उनका जो उत्पादन खर्च है बहुत कम होता है। जब हमारा सेंटर 100 रुपये में पौधा बेच रहा है और वो लोग इसको 25-30 रुपये में, वो भी वहाँ ले जा करके, इसका मतलब उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है। जंभीरी, रफ लेमन, रंगपुर लाइम या जो हमारा नया कूंट है,
मूलवृंत है जिसको एलिमो के नाम से हम जानते हैं, इसके ऊपर जब लगाते हैं तो उसका खर्च, उत्पादन खर्च ज़्यादा पड़ता है, जो कि नर्सरी वालों के लिए उसमें उनका जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो उसको इस्तेमाल न करते हुए ये गलगल के बीज के ऊपर संतरा लगा करके बेच रहे हैं। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये गलगल वाली रूट स्टॉक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है। गलगल की पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती है, मैं फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा। सर रूट स्टॉक पे जब मेरे पास मैं पौधा खरीद, नहीं उस समय आप नहीं पहचान सकते, उस समय नहीं, उसकी पत्तियां बिल्कुल अलग होती, बिल्कुल अलग होती हैं। रफ लेमन रंग फॉर लाइम से उनकी पत्तियां अलग होती हैं, जिनको पत्तियों को देख करके आप पहचान सकते हैं। हाँ अगर आप, आपने पौधा लगा दिया है, आपको लग रहा है कि ये रफ लेमन पर है, रंग फॉर लाइम पर है, एलिमो पर, या फिर गलगल के ऊपर है, तो जो उसका बड यूनियन होता है उसके नीचे उसमें फांदी निकलना शुरू होती है, ब्रांचेस निकलना शुरू होती है, तो उनको आप देखिए, किसी पौधे निकालिए मत, तोड़िए मत। अच्छा। उसको एक पौधे को आप नीचे की ब्रांचेस उसको अलाउ करिए। इसका मतलब जो पौधा लेने से पहले हमें उस नर्सरी में जहाँ पर हम पौधे खरीदने जा रहे हैं उससे ये देखना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास इसने क्या, ये जो आपका रूट स्टॉक है उसके प्लांट्स कहाँ पे हैं। हाँ उसके लिए आप उनसे बोलिए कि आप जो रसीद देते हैं, हाँ, कौन से रूट स्टॉक पर लगाया गया है वो उस पर लिख करके दीजिए, ताकि आप कल को क्लेम कर सकें कि हाँ इन्होंने गलत रूट स्टॉक पर संतरा दिया है, बेचा है। किसान साथियों, अभी आपने डॉक्टर आर के सोनकर जी को सुना और उन्होंने ये सब चीजें विस्तार से बताई। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि जब भी आप पौधे खरीदे, कहीं विश्वत जगह से खरीदे और ये देख लें कि इसका रूट स्टॉक क्या है। आप रूट स्टॉक का पता अवश्य करें और जब भी कहीं से पौधे खरीदे तो उसके बिल पर यह अवश्य लिखवा लें कि यह किस रूट स्टॉक का पौधा है। ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति संतरा और मौसमी की बागवानी करने वाले किसानों के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।